आज देखता हूँ कि मुंबई काफी बदल गया है। मेरे सामने दादर की चौपाटी गायब हो गई। बाय 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 मेरी मुंबई। देखा किसने कल, किसने जाना है। दो पल जिंदगी है, हंस के तुम गुजारो। थोड़ा खोना थोड़ा पाना है। ओ देखा किसने कल, किसने जाना है। तो हम तो अंग्रेजों के जमाने के पुलिस है। माई ग्रैंड फादर वॉज पुलिसमैन सिंस 1942। देन माई फादर ही वॉज जॉइंट फॉर पुलिस फोर्स इन 1964 एंड आई जॉइंट पुलिस फोर्स इन 1990। कावर पुलिस स्टेशन मलाड। मलाड वॉज अमंग द टॉप पुलिस स्टेशन। वेरी हेवी पुलिस स्टेशन। एनुअल क्राइम रेट वॉज देयर से समथिंग अबव 500। ईच कैटेगरी ऑफ क्राइम, बॉडी ऑफेंसेज, चीटिंग, ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन, ऑलमोस्ट 2 क्राइम्स पर डे। हमारा जॉब में रोज नया खेल होता है। द स्क्रिप्ट इज नॉट रिटन, वी हैव टू राइट अवर ओन स्क्रिप्ट। 1 टेक ओके, नो सेकंड टेक। सो यू शुड बी वेरी परफेक्ट, वेरी पंक्चुअल एंड वेरी पर्टिकुलर। ये राजनपाड़ा का हमेशा लपड़ा रहता है। ये मिक्स एरिया है, मराठी तमिल एरिया है। बीच में दारू पीरू का भी हमेशा का लपड़ा रहता है इधर। हाँ, दारू का आपको हमेशा कॉल आता है इधर कंट्रोल में कि क्या होना है। इधर दारू पी, चार आदमी दारू पी रहा है, बीच में मारामारी हुआ था एक बार। रोज रात का हंगामा रहता है। ये जगह मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। ऐसा अक्सर अभी भी मैं सुने को जाता हूँ तो मेरे दिल के सामने वो चीज़ अभी जैसे की जैसे दिखती है। वो लड़का जो है फैन, इसी फैन को ऐसे लटक रहा है। अच्छा, हैंगिंग वाला केस। हैंगिंग वाला केस है और एकदम बहुत से हैंगिंग केसेस लिए अभी तक अपनी ड्यूटी में, लेकिन ऐसा हैंगिंग केस आप जिंदगी में पहली बार लिया था मैंने। उसकी स्टोरी और उसने जो सुसाइड नोट जो लिखा था टू हिज फादर कि पापा अब तो आप खुश होंगे ना, जो जो नॉर्मल अगर मैन अगर पड़ेगा ना वो देखे उसको रोने को आएगा। दट बाय वॉज ही वॉज सपोज ही वॉज हेलिंग फ्रॉम उज्जैन और उससे वो इंडियन आइडल का ऑडिशन देने के लिए मुंबई में आया था। बिजनेस स्टार्टिंग के लिए झूठ बोल के पिताजी से उसने 1,00,000 रुपए लिया और 1,00,000 रुपए का उसने पूरा कपड़ा खरीदा था मुंबई में आके और हाई फाई जीन्स वगैरह। उसके बाद में हमको बैग में मिले और उसकी बैग में एक फेमस इधर के हेयर स्टाइलिस्ट का कार्ड मिला, तो उसका एक सीटिंग का कम से कम 2,500 रुपया होता है। तो उसका लाइफ स्टाइल इतना लाइविश था और द कंडीशन उसकी बॉडी मेरे को मिली थी, इट वॉज रॉटन। 4 दिन तक बॉडी वैसे लटकी पड़ी थी, डीकम्पोज हुआ था। कपड़ा निकाला उसका, कपड़ा निकाला तो कपड़े के साथ में चमड़ी भी आ गई उसकी और एकदम रॉटन एकदम। फिर वो समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी जो सुसाइड नोट मिली हमको इधर ही, तो उसके ऊपर पूरा मैटर क्लियर हो गया कि बेचारे ने इंडियन आइडल के सपने देखे थे और उसमें प्राइमरी राउंड में उसने क्लियर किया था, लेकिन एलिमेंट्री राउंड में वो कैंसिल हो गया। और फिर उसका सब जीने का उसका डिस्परेट हो गया, उसको डिप्रेशन आ गया और ऐसा उसके वो सुसाइड नोट से लग रहा था कि पिताजी की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं कर सका करके वो जिंदगी से हताश होकर बेचारे ने अपनी जान दे दी। ही वॉज वेरी यंग, से 23-24 ईयर्स, वेरी ट्रेजिक डेथ। रास्ते पे लावारिस लाश पड़ी रहती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उसको उठाती है, उसको लेके जाती है, उसका खर्चा पीछा क्या करती है उसको, फिर जो है धर्म का है उसको उसको हम उसको उसका अंतिम संस्कार कर डालते हैं। ये सबसे ज्यादा पुण्य का काम है। वो इंडिया में जो पुलिसिंग होती है और एज कंपेयर टू मॉडर्न कंट्रीज लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। अब भी बाहर के देश में आप देखोगे डिस्कवरी चैनल पे या फिर जो नेशनल जियोग्राफी भी दिखाते तो उनके सीन ऑफ ऑफेंस पे जैसे कभी घटना घटती है तो पुलिस आ जाती है, एट ए टाइम पैरामेडिक्स की टीम आ जाती है, एट ए टाइम CA की टीम आ जाती है, फिंगरप्रिंट वाले आते हैं, फोटोग्राफ वाले आते हैं कि ईच स्पेशलाइज पर्सन उसका एक एक जॉब करके अपना अपना काम करता है। पुलिस का काम सिर्फ इतना ही है कि क्लूज जो मिलते हैं उसका एक सिक्वेंस बनाने का और फिर अरेस्ट करने का अक्यूज को, ये पुलिस का काम रहता है। इसलिए उनका काम में स्पेशलाइजेशन है
और उनके काम में परफेक्शन है और उनमें कन्विक्शन रेट वो कंट्री में इंडिया से ज़्यादा है। इधर हमारे कंट्री में पुलिस हैज़ टू बी लिटिल बिट डॉक्टर, पुलिस हैज़ टू बी लिटिल बिट केमिकल एनालाइजर, पुलिस हैज़ टू बी लिटिल बिट ड्राफ्टमैन टू ड्रॉ द प्रॉपर टोपोग्राफी ऑफ द स्पॉट, फोटोग्राफर, ऐसा सब रोल सिंगल हैंडेडली हमको करना पड़ता है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बार खून यानी ब्लड, बॉडी ऑफेंस, मर्डर ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं। ह्यूमन ब्लड का एक अलग ही बोलते हैं ऑर्डर है, एक अलग ही आता है उसका वास, एकदम अलग मीठा रहता है। और एक बार तुम्हारे दिमाग में या नाक में घुस गया ना तो तीन तीन चार चार दिन तक निकलता नहीं। खाना खाते टाइम पे या सोते टाइम पे वो सीन दिमाग में चलता रहता है, वो डेड बॉडी सामने दिखती है या खून का वो पूरा पूल दिखता है, पूल ऑफ ब्लड। जो जो भी सक्सेसफुल ऑफिसर्स माने जाते हैं उनका एक खबरी का एक स्पेशल नेटवर्क रहता है, वेरी स्पेशल नेटवर्क। एंड खबरीज आर देयर फ्रॉम एनी लेवल, एनी यानी कि वो झोपड़पट्टी में से आदमी मिल सकता है या मे बी हाई प्रोफाइल पर्सन, शॉपकीपर, पान वाला, दूध वाला, पेपर वाला। एक्चुअली दीज आर कॉल्ड आवर आईज एंड ईयर्स इन योर लैंग्वेज। साहब को तो गाने संगीत का बहुत प्यार है, वो हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। दिन ढल जाए बरो ना याद ना तन्हा ये लम्हा मेरी जान जलाए दिल घबराए हाय। म्यूजिक तो मेरा पहले से बहुत, मैंने बहुत बचपन से ही पैशन है। मुझे याद है कि नेशनल पैनासोनिक का एक टेप रिकॉर्डर 1976 में मेरे पिताजी ने लाया था। उस ज़माने में वो बहुत बड़ी चीज़ थी और इतना बड़ा रेडियो था, वो बड़ा बटन और सब वॉल वाला, और ये टेप रिकॉर्डर लेके आए। लेकिन टेप रिकॉर्डर में आज के जैसे रेडीमेड कैसेट्स नहीं मिलते थे, तो सोनी के ब्लैंक कैसेट आते थे 60 मिनट्स और 90 मिनट्स के। तो ब्लैंक कैसेट पे विविध भारती पे जो गाने लगते हैं वो गाने वो पिताजी बैठ के रिकॉर्ड करते थे। कौन सा गाना अभी आप सुनने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म इसका गाना, नागिन का गाना, तो वो प्ले का बंद करते थे और रिकॉर्ड करते थे और गाना खत्म होने में वो पीस कट ऐसा कट कट करके कितने तो भी कैसेट बना के रखे थे मेरे पिताजी ने। Well, we are always looking out for new singers, and when I came across Mahesh ji, I was completely impressed because he's got this very different earthy voice and this texture is very difficult to find. And he's a cop, which makes things even more strange and beautiful. He upholds the law by day, and at night he breaks all the rules as a singer. So it's a lot of fun working with him. And today we are gonna record a song called "Bhai Hai Kaun," the original Bhai, right here with me. And this is gonna be fun. Ajja be, watle, bhai hai, bhai. One, two, three, four. Hello, hello, baby, baby, come a little closer now. Hey, dekho, dekho, aaya bhai, sab rasta one way now. Jackson.